हेलो दोस्त, न्यू सफर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्त, यहाँ पे एजुकेशन, जॉब, करियर से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को दबाएं, अब तक सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं IGCAR रिक्रूटमेंट के बारे में। इसमें सिक्योरिटी गार्ड के पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको बताएंगे कि इसमें आप लोगों का फिजिकल टेस्ट है, किस मतलब स्टैंडर्ड पर होने वाला है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तो आप लोग पूरी जानकारी A to Z मिलेगा। और इसके बारे में भी बात करेंगे कि आप लोग का जो ड्यूटी है, मैं आप लोग का क्या क्या कराया जाता है, मतलब ड्यूटी आपको कहाँ मिलेगा, कैसे करना होगा, तो आप लोग को पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ड्यूटी आप लोग को मतलब क्या दिया जाएगा, ड्यूटी में क्या करना होता है, और आप लोग का जो होता है कि आप लोग को कहाँ पोस्टिंग होता है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो आप लोग कृपया वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के बारे में दिया गया है पोस्ट आप लोग का, अब देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ दिया गया है कि क्वालिफिकेशन आप लोग क्या है, 10+2 है, मतलब 10वीं पास है, तो आप लोग अप्लाई किए होंगे। तो आगे देख सकते हैं, और इसमें आप लोग देख सकते हैं नीचे दिया गया फिजिकल स्टैंडर्ड में एज प्रिस्क्राइब्ड इन द मेथड ऑफ सिलेक्शन बिलो, मतलब आप लोग किस तरह से सिलेक्शन होगा वो सब बताया गया है। तो आप लोग कैंडिडेट हूँ क्वालिफाई द फिजिकल टेस्ट विल बी अलाउड टू अपीयर रिटेन टेस्ट। तो आप लोग फिजिकल टेस्ट पास हो जाते हैं तो आप लोग को रिटेन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद से रिटेन टेस्ट होगा। तो इसमें फिजिकल टेस्ट के लिए 2 स्टेज है, तो आप लोग दोनों स्टेज एक ही दिन होगा या 2 दिन में होगा, तो आप लोग पूरी जानकारी मिलेगी। तो कृपया एंड तक बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए ताकि आप लोग को वीडियो दोबारा देखने की कोशिश ना करें। यदि आप लोग को नहीं समझ में आता है तो एक बार और बैक करके देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो आप लोग को सैलरी दिया जाएगा, सैलरी आप लोग का बेसिक पे 18,000 रहेगा, जो लेवल 1 का रहेगा पे मैट्रिक्स का, और इस पर आप लोग को DA मिलेगा, TA मिलेगा, और आप लोग को जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउंसेज है, मेडिकल की तरफ से मेडिकल भी है, आप लोग को जितनी फैसिलिटीज है वो सब प्रोवाइड किया जाएगा। आगे देख सकते हैं इसमें दिया गया मेथड ऑफ सिलेक्शन, आप लोग सिलेक्शन 3 स्टेज में होने वाला है। तो आप लोग एक चीज़ बता देते हैं, इसमें शायद ये कुछ लोगों को पता होगा, आप लोगों को बता दें, आपको नहीं पता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो आई और उसके पास ई होता है, इसका मतलब आप लोग का है दैट इज होता है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत हो या करिए, इसका मतलब दैट इज होता है। तो शायद बहुत लोगों को पता चल गया होगा, तो इस चल गया आप लोगों को पता चला है, तो यदि आप लोगों को पहले से पता था तो अच्छा है, नहीं पता था तो आप लोग जान गए होंगे। सबसे पहले देख सकते हैं स्टेज फर्स्ट, इसमें दिया गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मतलब आप लोग का मापदंड होता है, जो आप लोग का माप क्या है वो सब के बारे में देखा जाएगा। और सेकेंड क्या है, फिजिकल टेस्ट इवेंट है, मतलब आप लोगों को कुछ क्रिया करना होता है फिजिकल में, तो सब एक्सरसाइज वो सब होता है। आगे देख सकते हैं स्टेज थर्ड में आप लोग का रिटेन एग्जाम होगा, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। लेकिन इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में, तो आप लोग फिजिकल टेस्ट में आप लोगों को माप क्या रहेगा, आप लोग का मिनिमम जो रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो सब देख सकते हैं यहाँ पर। स्टैंडर्ड में आप लोग दिया गया मिनिमम हाइट के बारे में, सबसे पहले हाइट के बारे में देख लेते हैं हम लोग की हाइट में आप लोग क्या रहने वाला है। तो कैंडिडेट विल बी पुट थ्रू फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एज बिलो, मतलब आप लोग को फिजिकल टेस्ट में इस तरह से रखा जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया मिनिमम हाइट, मतलब जनरल में आते हैं, UR में आते हैं, तो मेल हैं तो आप लोगों को 167 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और आप लोग फीमेल हैं तो 157 रहना चाहिए, और यदि आप लोग यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को 165 और 155 होना चाहिए। तो इस तरह से देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, हम लोग आराम से समझेंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि यहीं पर सबको डाउट होता है, तो एक एक करके हम लोग बारीकी से समझेंगे। कृपया आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, बस एक एक वर्ड को सुनिएगा। आगे देख सकते हैं चेस्ट के बारे में, तो मेल का चेस्ट कितना कैसे नापा जाएगा, देख सकते हैं UR है तो आप लोग 80 सेंटीमीटर आएगा और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड किया जाएगा, तो ये सब देख सकते हैं। आगे देखिए, यदि आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप लोग को 80 सेंटीमीटर रहेगा चेस्ट, और आप लोग को 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, तो इस तरह से देख सकते हैं। आगे दिया गया इसमें दोज हू मीट द फिजिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड अबव विल बी सब्जेक्टेड टू द फॉलोइंग फिजिकल टेस्ट इवेंट वन आफ्टर अनदर, मतलब आप लोग को एक ही दिन में होने वाला है, तो कृपया आप लोग मतलब आप लोग डाउट ना रखिए, एक ही दिन में आप लोग का हो जाएगा फिजिकल टेस्ट। तो आप लोग जब फिजिकल टेस्ट में आप लोग नाप लिया जाएगा, आप लोग को जो भी रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड वो सब हो जाएगा स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद आप लोग को फिजिकल इवेंट होगा, तो उसमें आप लोग को रनिंग जो भी आप लोग का एक्सरसाइज है वो सब कराया जाएगा। तो आगे देख सकते हैं इसमें दिया गया है सेकेंड नंबर में फिजिकल टेस्ट इवेंट के बारे में, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें दिया गया 100 सेंटीमीटर आप लोग का 100 मीटर रनिंग करना है, जो टाइम मिलेगा 16 सेकेंड, और लॉन्ग जंप है आप लोग का देख सकते हैं इसमें दिया गया है
3.65 मीटर दिया गया है इन थ्री चांस में आप लोगों को इतना कंप्लीट करना है लॉन्ग जंप। और आगे देख सकते हैं इसमें दिया गया चिन अप्स के बारे में, तो एज ग्रुप दिया गया है कि एज ग्रुप के हिसाब से कितना करना है। तो देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि अप टू 30 ईयर, यदि आप 30 साल तक आते हैं, 18 से 30 के बीच आते हैं, तो आप लोग को फर्स्ट वाला है 18 से 30 के लिए। तो इसमें फर्स्ट के लिए आप लोग 18 से 30 हैं तो इसमें 8 या 9 कर देंगे, तो आप लोग को मिनिमम 8 चाहिए, मैक्सिमम 8 आप लोग कर सकते हैं, तो मिनिमम आप लोग 8 करना ही है। और देख सकते हैं इसमें दिया गया है कि 30 से 40 ईयर तक आते हैं तो आप लोग को कितना करना होगा, 5 से 6 करना होगा। और आगे देख सकते हैं कि पुशअप्स करना होता है, कि पुशअप्स में आप लोग को 40 से 45 ईयर है तो आप लोग 16 से 17 करना होता है, यदि एबव है 45 से ऊपर है आप लोग का एज तो 12 से 13 करना है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्त, इसके आगे जो डाउट क्लियर होने वाला है वो सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें डाउट ये क्लियर होगा कि देख सकते हैं चिनअप्स जो है सबको नहीं करना है, देखिए किनको किनको करना है, जो 18 से 40 के बीच हैं उनको केवल चिनअप्स करना है। देख सकते हैं इसको ध्यान से समझिएगा, 18 से 40 हैं जिनका है उनको चिनअप्स करना है। तो अब देख सकते हैं इसमें किसको किसको करना है, जो 18 से 30 हैं उनको 8 से 9 करना है, 30 से 40 हैं तो उनको 5 से 6 करना है चिनअप्स। और आगे देख सकते हैं जो 40 से ऊपर एज है जिनका, उनको चिनअप्स नहीं करना है, उनको केवल क्या करना है, पुशअप्स करना है, और आगे देखेंगे और क्या करना है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। और आगे देख सकते हैं सीटअप्स में किनको किनको करना है, सीटअप्स में जो जितने भी लोग हैं सबको सीटअप्स करना है, मतलब 18 से जितने भी 18 से 45 ईयर तक हैं या उससे ऊपर हैं तो सबको सीटअप्स करना है। अब एज ग्रुप के हिसाब से देखेंगे कि किनको कितना करना है, तो देख सकते हैं अप टू 30 ईयर, मतलब आप लोग 18 से 30 के बीच आते हैं तो 25 से 29 कर सकते हैं। और आगे देख सकते हैं 30 से 40 आते हैं तो आप लोगों को 20 से 24 करना होगा, जैसे भी आप जैसे जैसे आपका एज बढ़ रहा है उसके वैसे वैसे आप लोग को एक्सरसाइज कम होता जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं बॉडी के हिसाब से ही कराया जाएगा, यदि 40 से 45 एज है आप लोग का तो 15 से 19 करना है, एब आप देख सकते हैं 45 से ऊपर है तो 10 से 14 करना है। आशा है कि आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा, सभी डाउट यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे, एक भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख सकते हैं इसमें दिया गया है फिजिकल इवेंट फीमेल के लिए, ऊपर मेल के लिए था, अब चलिए बात कर लेते हैं फीमेल के लिए, फीमेल के लिए कितना कैसे क्राइटेरिया है वो ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर दिया गया है 100 मीटर आप लोग का रन करना है 20 सेकंड में, लॉन्ग जंप करना है आप लोग को 2.7 मीटर आप लोग का लॉन्ग जंप है, और 9 फीट मतलब फीट में 9 फीट हो जाता है, 3 चांस में आप लोग करना होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सीटअप्स के बारे में आप लोग को दिया गया है, आप लोग केवल सीटअप्स करना है, चिनअप्स पुशअप्स नहीं करना है, केवल सीटअप्स करना है। तो 18 से 30 है तो 20 मतलब ये नंबर दिया गया है, मतलब आप लोगों को 20 करना है, 30 से 40 है तो 15 करना है, 40 से 45 है तो 12 करना है। आगे देख सकते हैं इसमें दिया गया है एबव 45 से ऊपर है आप लोग का एज तो इसमें 10 करना है। तो यहाँ तक आप लोगों को सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कैंडिडेट विल बी पुट द सब्सिक्वेंट फिजिकल इवेंट ओनली इफ़ दे क्वालिफाई टेस्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यदि आप लोग फर्स्ट पास कर लेते हैं, फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद से आप लोगों को रिटेन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उस रिटेन टेस्ट किस बेस पर होगा, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा वो भी देख लेते हैं। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन द ऑल फिजिकल टेस्ट इवेंट स्टेज टू, मतलब सभी को जो लोग भी पास करेंगे उनको स्टेज टू में एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम में आप लोग क्या क्या पूछा जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें दिया गया है कि एग्ज़ाम में आप लोग कंप्रेंशन जनरल अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं एनालिटिकल बेसिक मैथ है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, इस तरह से देख सकते हैं। तो मतलब कंप्रेंशन दिया गया तो आप लोग को पैराग्राफ रहेगा, कंप्रेंशन पढ़ना है तो कैसे आता है क्वेश्चन, तो हम बार्क का कराएं तो आप लोग जा करके देख सकते हैं, आप लोग को इस वीडियो का लास्ट में वीडियो मिल जाएगा, तो कृपया आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद से आप लोग को तभी वीडियो मिलेगा देखने के लिए। तो इस तरह देख सकते हैं कंप्रेंशन आप लोग को पैराग्राफ देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देगा, तो इस तरह से आप लोग को सोल्यूशन कराना होता है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट कराएं कंप्रेंशन, तो आप लोग अभी से तैयारी कर सकते हैं, जो लोग फिजिकल में मतलब लग रहा है कि फिजिकल आप लोग निकाल लेंगे तो आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाइए। 25 नंबर का रहेगा जनरल अवेयरनेस 25 नंबर का, और 25 नंबर का आप लोग का एनालिटिकल बेसिक मैथ, एकदम आसान पेपर आता है, आप लोग टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देख सकते हैं दिया गया इसमें द रिटेन टेस्ट विल बी द ऑफ द वन ऑफ आवर ड्यूरेशन, मतलब दिया गया कि मतलब डेढ़ घंटे का आप लोग का पेपर रहने वाला है। और आगे देख सकते हैं इसमें दिया गया फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन विल बी डन प्योरली बेस्ड ऑन दियर मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क सिक्योर्ड बाई देम इन स्टेज थर्ड रिटेन टेस्ट।
मतलब फिजिकल टेस्ट आप पास कर लेंगे तो आप लोग का लिस्ट जारी किया जाएगा। लिस्ट जारी करने के बाद फिर आप लोग को पेपर देना होगा। पेपर स्टेज 3 में होगा तो पेपर आप लोग को दे देंगे तो उसके बाद से आप लोग को सिलेक्शन हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ये सब हो जाता है। तो आप लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है वो सब आप लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग अभी से अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकें। तो दोस्त आगे देख सकते हैं नेचर ऑफ ड्यूटी में। नेचर ऑफ ड्यूटी में आप लोग देखेंगे तो इसमें बहुत हार्ड चीज़ दिया गया है तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग को इससे रिलेटेड एक आप लोग का इमेज यहाँ पर दिखाई दे देगा, आप लोग देख सकते हैं हिंदी में, तो आप लोग उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम इसमें आप लोग को बता देते हैं। इसमें देख सकते हैं दिया गया इसमें कि रेगुलेटिंग एंट्री एग्जिट ऑफ अथोराइज्ड पर्सनल व्हीकल मटेरियल अटेंडिंग टू अनटूवर्ड इंसिडेंट्स लाइक, जैसे कि आप लोग को ट्रेसपासिंग, थेफ्ट, फायर एक्सीडेंट ETC, टेकिंग सिक्योरिटी राउंड्स, और आगे देख सकते हैं कंडक्टिंग इंक्वायरीज, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट, कलेक्टिंग इंटेलिजेंस, और यहाँ पर दिया है आगे कि रेंडरिंग असिस्टेंट टू एम्प्लॉय इन द केस ऑफ इमरजेंसी, सुपरविजन, पैकिंग ऑफ मटेरियल, क्लियरिंग गेट पास। आप लोग जो भी मतलब एंट्री करता है उसको गेट पास क्लियर किया जाता है, मतलब गेट पास देख करके, तो ये तो आप लोगों को पता होगा। आगे देख सकते हैं इसमें दिया गया इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल प्रोसीड्यूर, ऑपरेटिंग गेट, ऑपरेटिंग गैजेट्स, ड्राइंग पंचनामास, मेकिंग रिटेन रिपोर्ट्स ऑफ अनयूजुअल हैपनिंग। आप लोग जो भी कुछ होता है उसका मतलब रिकॉर्ड बनाना रहता है, एंड लियोजनिंग विथ पुलिस और एनी अदर वर्क असाइंड बाई कंपिटेंट अथॉरिटी। द कैंडिडेट सो रिक्रूटेड आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अराउंड द क्लॉक शिफ्ट ड्यूटीज। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से दिया गया, आप लोग टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत थोड़ा हार्ड दे दिया गया यहाँ पर, ज़्यादा आप लोग नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग हिंदी में यहाँ पर दे दिया गया है, तो आप लोग इसको देख करके आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्त आशा है कि आप लोग समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करें ताकि आप लोगों को क्वेरी का सलूशन मिल सके। यदि आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए बुक से रिलेटेड तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, बुक का वीडियो अपलोड कर देंगे तो आप लोग नीचे, आप लोग को नीचे कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। और भी आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करिए, उसका भी वीडियो अपलोड किया जाए, किस टॉपिक को किया जाए अपलोड, किस पर टॉपिक को चाहते हैं तो उस पर अपलोड कर सकते हैं। यदि आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग वहाँ से जा करके ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।